अमेंडा इज ए ब्यूटीफुल पोएम, इट इज कम्पोज्ड बाय रॉबिन क्लीन। अमेंडा एक बड़ी रोचक और आसान कविता है। हर बच्चा महसूस करता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसको इंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है कि वो ये काम करे और वो काम करे और इस काम को छोड़ दे। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी आज़ादी को रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, लिमिटेड किया जा रहा है? अब हम इस कविता को पढ़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि अमेंडा जो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है और वो 10 से 12 साल की हो सकती है, वो कैसा महसूस करती है जब उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा के पेरेंट्स उसे एडवाइस देते हैं और कहते हैं कि अमेंडा नाखूनों को दांतों से काटना बंद कर दो। डोंट हच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने कंधों को बेंड करना बंद कर दो। स्टॉप दैट स्लोचिंग, इस तरह से झुक कर बैठना, बेंड करके बैठना रोक दो, बंद कर दो। एंड सीट अप स्ट्रेट अमेंडा, अमेंडा बिल्कुल सीधी होकर बैठो, अपराइट होकर बैठिए। तो उसे ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, बाइट, बाइट का मतलब होता है चू, चबाना या काटना। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट वर्ड है हंच, हंच का मतलब होता है बेंड। फ्लोचिंग, फ्लोचिंग का मतलब भी होता है स्टूपिंग। एंड सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है अपराइट, यानी सीधे होके बैठना। तो इस प्रकार से जो पहला हमारा स्टेंज है उसमें ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट इसमें जो स्टेंज है इसमें देखिए, इनको ब्रैकेट्स में रखा गया है। देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यहाँ पर अमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है, कल्पना करती है और वो महसूस करती है कि वो एक मरमेड है। वो अपने आप को एक मरमेड की तरह प्रस्तुत करती है। मरमेड जलपरी को बोलते हैं, एक निम्फ को बोलते हैं, या इसको हम जलपरी भी बोलते हैं। वह अपने आप को एक जलपरी के रूप में प्रस्तुत करती है, इमेजिन करती है कि वो एक ऐसी जलपरी है जो एक लैंग्विड यानी कि एक शांत, रिलैक्स्ड, एक शांत। एमराल्ड होता है एक स्टोन का वैसे नाम होता है, परंतु यहाँ पर इसका मीनिंग जो होता है ब्राइट ग्रीन है। सी मीन्स ओशन हियर, वेयर एज द मीनिंग ऑफ सोल इज अलोन, अकेली। इनहैबिटेंट, इसका अर्थ होता है नेटिव, निवासी या रेजिडेंट। तो अपने आप को एक मरमेड के रूप में प्रस्तुत करती है, एक जलपरी के रूप में प्रस्तुत करती है और सोचती है कि वो एक जलपरी है, और जलपरी की तरह ही वो ब्लिसफुली यानी कि जॉयफुली, हैप्पली ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है इसमें स्लोली मूविंग। वह कहती है कि वह एक मरमेड की तरह, एक जलपरी की तरह खुशी से जॉयफुली मूव करेगी। किस में मूव करेगी? समुन्दर का जो चमकीला हरे रंग का जो पानी है और जो शांत है, उस शांत चमकीले हरे पानी में वह एक मरमेड की तरह अकेली निवासी है जो खुशी से उस पानी में तैर रही है, उसकी लहरों में तैर रही है। तो वह अपने आप को इस प्रकार से मरमेड के रूप में प्रस्तुत करती है, कल्पना करती है। इन लाइनों में वो कल्पना के अंदर है, परंतु आगे उसके पेरेंट्स उसको दोबारा फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ पर। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है? क्या आपने अपना स्कूल का काम पूरा कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपने रूम को टाइडी कर लिया है, उसको क्लीन कर लिया है, उसको नीटन कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। उसके बाद उसके पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था
तुम्हें ये भी कहा था कि तुम अपने शूज को, अपने जूतों को क्लीन कर लो, साफ कर लो। अब देखिए, अमेंडा अपने पेरेंट्स की बात पर ज़्यादा ध्यान देने की जगह फिर दोबारा वो कल्पना में डूब जाती है, और वो कल्पना में डूबने के बाद वो क्या करती है, देखिए इनको फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है। वो अपनी कल्पना में वो सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। वो अपने आप को एक ऑर्फन मानती है, वो अपने आप को एक अनाथ मानती है, अनाथ के रूप में प्रस्तुत करती है जैसे कि वो अनाथ है। वह कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और जो वहाँ की गलियों में घूम रही है। रोमिंग का मतलब होता है वांडरिंग, द स्ट्रीट वह उन गलियों में घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट यहाँ पर मिट्टी है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। आगे कहती है कि मेरे जो पाँव जो बिना जूतों के हैं, बेयर हैं, और जो स्मूद हैं, जो कोमल हैं, वह उन पैरों से नरम मिट्टी पर पैटर्न डिजाइंस बनाती है। वह ये सोच रही है कि वह एक ऑर्फन है, अनाथ है, और गलियों में घूम रही है, और अपने नंगे पाँव से सॉफ्ट मिट्टी पर, सॉफ्ट डस्ट पर, नरम मिट्टी पर डिजाइन बनाती है अपने पैरों से। आगे वो कहती है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, कि खामोशी जो होती है वो सोने की तरह कीमती है, और जो फ्रीडम है, आज़ादी जो है, वो बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, स्वीट होती है। तो इस प्रकार से वो इन लाइनों में अपने आप को एक ऑर्फन के रूप में प्रस्तुत करती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, अमेंडा अपने पिंपल्स को, अपने मुहासों को याद रखो, इन्हें खाने से आपके चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, अमेंडा क्या तुम मेरी तरफ देखकर बात करोगी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। अमेंडा को वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर ना करने के लिए यहाँ पर कहती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइनों में अमेंडा अपने आप को एक रैपुंजल के रूप में प्रस्तुत करती है। आई एम रैपुंजल, वो कहती है कि मैं रैपुंजल हूँ, वो अपने आप को रैपुंजल मानती है। रैपुंजल एक गोल्डन हेयर्ड लवली गर्ल है, रैपुंजल एक ऐसी लड़की है, प्यारी लड़की है, जिसके जो बाल हैं वो गोल्डन हैं, और रैपुंजल के पेरेंट्स ने उसको एक टावर में रखा हुआ है ताकि उसके पेरेंट्स उसको जादूगरनी से बचा सके। तो इस प्रकार से ये जो लड़की है रैपुंजल है, शी इज फ्री फ्रॉम ऑल वरीज ऑफ लाइफ, वह अपने जीवन के अंदर हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त है, उसे कोई भी चिंता नहीं है। तो अमेंडा भी अपने आप को एक रैपुंजल के रूप में प्रस्तुत करती है, वो सोचने लगती है कि वह एक रैपुंजल है, वही गोल्डन हेयर्ड लवली गर्ल है जिसे आई हैव नॉट अ केयर। अब कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कहती है कि जो टावर है उसके अंदर का जो जीवन है वो बड़ा शांत है, वहां पर कोई उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता, वो बड़ी शांत और बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अनकॉमन है। आगे देखिए, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने बालों को, ब्राइट हेयर्स को कभी भी उस टावर से नीचे नहीं लटकाऊंगी जैसा कि रैपुंजल ने किया था। आगे देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अब उसके पेरेंट्स फिर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह से सल्क करना ब्रूडिंग करना यानी कि सोचना बंद कर दो अमेंडा। अमेंडा के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि इस प्रकार से सल्किंग करना बंद कर दो, ब्रूडिंग करना, सोचते रहना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, अमेंडा तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमेशा मूडी रहती हो, जैसे कि तुम हमेशा एंग्री रहती हो, मूडी रहती हो, तो ऐसा मत करो, हमेशा गुस्से में मत रहो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर तुम ऐसा व्यवहार करती हो, तुम्हें देखकर कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि आई नेग्ड एट यू अमेंडा, की अमेंडा कि मैं तुम्हें हर वक्त झिड़कती रहती हूँ और तुम में फॉल्ट फाइंड करती रहती हूँ, तुम में गलतियाँ निकालती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।